एक बार एक 500 रुपए की नोट और 1 रुपए का सिक्का किसी की जेब में मिल जाते हैं और सिक्का जो है वो नोट को देखते रह जाता है, कहता है कि आप इतने मूल्यवान हैं, न जाने कितने लोगों के काम आए होंगे, कैसा रहा होगा आपका जीवन। इस पर नोट कहती है, तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं उद्योगपति के तिजोरी में बंद थी, लेकिन उसके घर पर जैसी रेड पड़ी तो उसने लांच के रूप में मुझे एक अधिकारी को दे दिया। अधिकारी ने मुझे क्या सोचकर अपने बैंक के लॉकर में रख दिया, और जब उसे बड़ा सा बंगला खरीदना था तो उसने एक बिल्डर के हाथों में मुझे सौंप दिया, जिसने भी काला धन जहाँ पर रखा था वहाँ मुझे बाकी काले धन के साथ रख दिया। मेरा जीवन तो मानो जेल में बीता। तुम अपनी सुनाओ। सिक्के ने खुशी से कहा कि मेरा जन्म हुआ है, तब से मैंने इतने लोगों में खुशियां बांटी, कभी किसी भिखारी की थाली में तो कभी किसी बच्चे की मुट्ठी में उसे चॉकलेट खिलाकर खुश किया है। तीर्थ स्थानों पर होकर आया हूँ, पवित्र नदियों में नहाकर आया हूँ, कभी अल्लाह की चादर पर तो कभी आरती की थाली में, और प्रभु के चरणों में जब भी रखा जाता उनके आशीर्वाद लेकर आया हूँ। ये सुनते ही नोट की आंखों में आंसू थे। अर्थात बड़ा होना जरूरी नहीं है, उपयोगी होना जरूरी है। छोटे छोटे लोग वक्त आने पर उपयोगी साबित होते हैं, और बड़े बड़े लोग वक्त आने पर अपनी औकात दिखा जाते हैं। स्टोरी को शेयर करें ताकि जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें पता तो चले, उन तक पैगाम तो पहुंचे।